है दी लालटेन, मैं हूं शैलेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वारे सिस्टम, सिस्टम के मारे लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, ये पूरी रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। सिस्टम की मार झेल रहे एक दिव्यांग व्यक्ति आज दुकान दुकान जाकर भीख मांगने को मजबूर है। सिस्टम ने इनके साथ गंदा मजाक कर आज लोगों के बीच इनका मजाक बना दिया है। इनका नाम रुपेश है, जो छोटी हाइट और पैरों से विकलांग है। हालांकि डंडे के सहारे ये चल फिर लेते हैं। प्रशासन ने कैंप लगाकर दिव्यांगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए शासकीय कार्यालयों में कलेक्टर दर में नियुक्ति किया था। उनमें से एक रुपेश भी थे, जिसको SDM कार्यालय में वृद्ध पद पर रखा गया था। 3 महीने में पेमेंट के लाले पड़े, जिससे घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई और भूखे रहने की नौबत तक बन गई। कई बार उच्च अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी सिस्टम ने नहीं सुना तो नौकरी छोड़ भीख मांगने को मजबूर होना पड़ा। सोनहत साप्ताहिक बाजार के दिन जब सोनहत पहुंचे भीख मांगते नजर आए तो द लालटेन की टीम ने इनका हालचाल पूछा तो उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते रो पड़े। रुपेश ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ सलका में रहते हैं और इसी तरह गांव-गांव जाकर भीख मांगकर गुजर बसर करता है। दूसरा कोई सहारा नहीं है। दर्द ये तो सिर्फ साफ हो गया कि सिस्टम में बैठे लोगों ने सिस्टम को ही अपंग बना दिया है। सरकार दिव्यांगों के उत्थान की लाख कोशिश क्यों ना कर ले, पर ये लोग उससे अपंग ही बनाकर छोड़ेंगे। अब देखना होगा कि खबर देखने के बाद सिस्टम का क्या हालचाल होगा। द लालटेन के लिए कोरिया से पुष्पा गुप्ता की रिपोर्ट। हमने ये सारी रिपोर्ट, इसमें सिस्टम का मारा हुआ दिव्यांग व्यक्ति किस तरह से दर दर भीख मांगने को मजबूर हो गया है। सर, प्रशासन ने इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए और इज्जत की जिंदगी जीने के लिए सरकारी कार्यालयों में कलेक्टर दर पर और मजदूरी दर पर इन्हें नौकरी दिया था कि ताकि ये लोगों का मजाक ना बने और अपना जीवन यापन इज्जत के साथ कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ गंदा मजाक सिस्टम ने कर दिया है। 3 महीने की नौकरी और पेमेंट भी नहीं दिए, जब इनके पास खाने के लाले पड़ गए तो ये दोबारा सड़कों पर आकर के भीख मांगने को मजबूर हो गए। जल्द से जल्द इनका पेमेंट के भुगतान हो ताकि इनका जीवन यापन सुधर सके और सर्व सम्मान से इन्हें फिर से कार्यालय में इनकी वृत्ति की जगह पर इन्हें पोस्टिंग किया जाए।